अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मांदेली फ्राई। तो चलिए हम देखते हैं कैसे फ्राई करना है। यहाँ मैंने एक वाटा मांदेली ली है आधा किलो के करीब। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम चलते हैं इसमें मसाला लगाने। हमें मांदेली फ्राई बनानी है तो यहाँ पे मैंने इतना लहसुन लिया है, दो कली बड़ी, और ये मैंने थोड़ा सा राई लिया है, इसे हम पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन और राई का पेस्ट बना लिया है, मैं इसमें ऐड करूँगी इसको। तो इसमें मैं थोड़ा हल्दी, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी लिया है, यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून में लाल मिर्च पाउडर लूँगी, और यहाँ हाफ टी स्पून के करीब मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। यहाँ मैंने खटाई लिया है थोड़ा सा। यहाँ मैंने मछली का फ्राई मसाला लिया है एक चम्मच, दो चम्मच हमें चावल का आटा लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे बेसन भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। इससे हमारी मछली बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छी बनती है। हाँ, फिर आके खड़े हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमें मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए रख लेना है, स्टोर करना है फ्रीज में, नहीं तो आप चाहो तो वही थोड़ा रोक के फ्राई भी कर सकते हो। यहाँ मैं हाथ से मसाला मिला रही हूँ, क्योंकि चम्मच से इतना अच्छे से हमारा मसाला नहीं लग सकता है जितना हमारा हाथ अच्छा काम करता है मसाला मिलाने के टाइम पे। ये देखिए फौरन हो गया, और चम्मच से बहुत टाइम भी लगता है और अच्छे से मसाला लगता भी नहीं है। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा मसाला लग गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी और फिर इसको मैं फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मछली जो है वो मैरिनेट अच्छे से हो चुकी है, और इसे मैंने फ्रीज में एक घंटे के लिए स्टोर करके रख दिया था। तो अब हम चलते हैं मछली को फ्राई करने के प्रोसेस में। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पे हमारी मछली जो है वो फ्राई हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी हुई है। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।